الحمد لله الواحد الأهد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد والصلاه والسلام على خير العباد الذي اخرج العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد ومن زيق الدنيا الى ساعتها ومن جور الاديان الى أدل الاسلام قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد फ़कुल तस्तव फिर कम्न का ना ग़फ़्फ़्फ़्फ़्ारा अल्लाबालमीन ईसायत करीमा में अपने बंदों को अपनी एक सिफत से आगा कर रहे हैं कि मैं गफार हूँ तुम जितने मर्ज़ी गुनाह करके आ जाओ मेरे दर पर आओगे मैं तुम्हारे सारे गुनाहों को ही मुआ फरमा दूँगा इस ज़मन में एक वाक्य अर्ज़ करना चाहता हूँ हज़रत हसन बसरी बशरी एक दिन अपनी हदीस की क्लास पढ़ा रहे हैं तालब इलम शगिर साम बैठे हुए सुन रहे हैं एक आने वाला आया आकर जर्ज करता है हज़रत मेरे माल का मुतालबा कर रहा है कि मेरे पास माल की बहुत कमी है माल की बहुत ही ज़्यादा कमी है मेरे लिए दुआ कर दीजिए मुझे कोई वजीफ़ा बतला दीजिए कि मैं मेरे पास माल आ जाए इमाम साहब फरमाने लगे इस्तीफ़ार किया करो वो शख्स उठ करके चला जाता है उसके बाद दूसरा शख्स फिर आया आ के कहने लगा इमाम साहब मेरे इलाके में बहुत कहत साली है खुश्क साली है जानवर मर रहे हैं फसलें नहीं उग रही गल्ला नहीं आ रहा कोई वजीफ़ा बदला दीजिए कोई नुक़ा बदला दीजिए कि अल्लाह फ्रावानी कर दे अल्लाह रहमतें बरकतें वस्तें कर दे कर दे कोई ऐसा नुस्खा बता दीजिए इमाम साहब फरमाने लगे तो भी इस किया कर वो भी उठ करके चला जाता है एक तीसरा आदमी आ के बैठ जाता है कहने लगा इमाम साहब मेरे पास औलाद नहीं है नरीना औलाद की दवा कर दीजिए अल्लाह मुझे औलाद अता कर दे इमाम साहब उसे भी कहने लगे इस्तफ़ार किया कर अल्लाह से गुनाहों की बख्शिश मांगा कर गुनाहों की तलब किया कर अल्लाह तेरे गुनाह माफ़ कर देगा और तुझे औलाद मिल जाएगी वो भी उठ करके चला जाता है उसके बाद शगिरद बैठे हुए हैं साम ने सवाल किया कि उस्ताद जी हजरत साहब आपके पास तीन आदमी आए तीन अलीहद आलहदा लोग आए तीन अलीहदा इस्बा बयान किए लेकिन आपने उनको सिर्फ एक ही हल बताया एक ही वजीफ़ा बतलाया इसका वजह क्या है रीज़न क्या है मकसद क्या है बतलाने लगे मैंने ये वजीफ़ा मैंने ये बात मैंने ये कॉल अपनी तरफ से नहीं कहा, फिर कहाँ से कहा है फरमाया रब का कुरान कहता है फकुल तुस् फिर रब इन हो गफ़ारा अगर तुम अपने गुनाहों की बख्शिश अपने रब से मांगोगे अगर गिड़गड़ाओगे अपने रब के सामने अगर रब के सामने सजदा रेज़ हो जाओगे तो मेरा रब तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा सिर्फ़ गुनाहों को माफ़ ही नहीं करेगा अल्लाह आसमान से मूसलाधार बारिश अता कर देगा और इसका फ़ायदा क्या होगा व युम दिद भी बेअमवाल अल्लाह तो में वाहरमाल अता कर देगा वह बनिन और अल्लाह तो जे औलाद से हमकिनार कर देगा व यज अल्ला को जन्नत हूँ व कुम कोहारा अल्लाह तो में उस जन्नत में दाखिल कर देगा जिसके नीचे से नहरें चल रही होंगी और इसी ज़मन में हज़रत इमाम हसन बसरी रही सवाल किया जाता है कि हज़रत हम सबसे ज़्यादा इस्तिगफ़ार किया करें या अपने रब से तस्बीह किया करें अल्हम्दुलिल्लाह अकबर सुभान अल्लाह ये पढ़ा करें इमाम साहब फ़रमाने लगे तुम इस्तिग़फ़ार किया करो वो शख्स सवाल दोबारा करता है हजरत इसका क्या वजह है हम इस्तिग़फ़ार क्यों करें कहने लगे उनका जवाब सोने के पानी से लिखने वाला है फरमाने लगे कि अगर कोई कपड़ा गंदा हो जाए मैला हो जाए कुचैला हो जाए उसको धोने की ज़रूरत होती है या उसको खुशबू लगाने की ज़रूरत होती है वो आदमी जवाब देता है कि हजरत अगर कोई कपड़ा गंदा हो गया है मैला हो गया है कुछला हो गया है उसको ज़्यादा ज़रूरत है कि उसको धोया जाए साबुन से साफ़ किया जाए उसके बाद खुशबू लगाई जाए इमाम साहब फरमाने लगे यही बात है कि बंदा गुनाह कर करके अपने आप को मैला कर लेता है कुछला कर लेता है गुनाहों से लत पथ हो जाता है और वह इस्तगफार करेगा अपने आप से गुनाहों की मैल दूर हो जाएगी अपने आप से गंदगी दूर हो जाएगी इसके बाद वो रब से तस्बी करेगा उसके दर्जात बुलंद हो गए हमें चाहिए कि अपने रब से मकफ मांगा करें और बख्श तलब किया करें अपने गुनाहों की माफी मांगा करें वसला